आपका स्वागत है दैनिक भास्कर से। मैं हूँ राजा भैया पाले। इस समय मैं दहू में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज मीडिया अनुमुखी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुप्रभात जनसेवी संस्थान की समाज सेविका श्रीमती लक्ष्मी कौरव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, सुप्रभात जनसेवी संस्थान समूचे भिंड जिले के अंदर सबसे पहली ऐसी संस्था है जो आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज समूचे भिंड जिले में एक चर्चित संस्था बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रभात जनसेवी संस्थान के मीडिया अनोखी कार्यक्रम में आज श्रीमती लक्ष्मी कौरव जी ने मीडिया के बीच वो जज्बा बताया कि कैसे महिला आत्मनिर्भर बने, कैसे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाए, कैसे बेटियों को समानता का अधिकार दिलाने में हम सफल हो पाएँ। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी श्रीमती लक्ष्मी कौरव। श्रीमती लक्ष्मी कौरव जी, ये मीडिया अनोखी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपकी अदालत हमारा जो न्यूज़ ग्रुप है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार आपका जो कार्यक्रम देख रहे हैं, गांव में चल रहा है, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप किसी भी प्रकार से हताश नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र का जो ग्रामीण अंचल है आपको सपोर्ट कर रहा है? क्या आप जो कार्यक्रम कर रही हैं उसमें सफल हो पाएंगी? क्या शासन की ओर से जो योजनाएँ आप दी जा रही हैं उनका सार्थक प्रयास गाँव में सफल हो पा रहा है? क्या कहेंगे आप? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता था कि, पहले खुद ही इस चीज़ से ग्रसित थे, पता था शासन की योजनाएं काफ़ी हैं लेकिन उनका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। इसके भाव से यही था कि प्रचार और प्रसार की कमी थी, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि सामाजिक संस्थाएं बहुत कुछ ऐसा करने जा रही हैं कि शासकीय योजनाओं को साथ में लेकर एक तो उनका प्रचार प्रसार करना, दूसरा लोगों में जागरूकता पैदा करना। केवल प्रचार प्रसार एक माध्यम नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति को उस योजना से जोड़ने के लिए लोगों को उनकी महत्व बताना पड़ेगा कि ये योजना आपके लिए है, ये आपके इस काम के लिए है, ये आपके इस विकास के लिए है। नहीं तो लोगों को लगता है बेटी हमारे हुई नहीं है तो हमें लाडली लक्ष्मी योजना से क्या लेना देना। जब उन्हें लगता है कि हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना इस तरह से है, बेटी को बोझ न समझने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, तो जब वो आगामी अपनी संतान की तैयारी करते हैं तब उस योजना को ध्यान में रखते हुए फिर वो अपना परिवार नियोजन करते हैं, एक बेटा हो एक बेटी हो और इस योजना का लाभ मिल पाए। बेटी आत्मनिर्भर कैसे बन सकती है आपके गाँव? बेटी आत्मनिर्भर बन सकती है उसके अंदर एक तो खुद की क्षमता का विकास हो पाए। सभी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभाएं छुपी होती हैं मगर हम उसे दबा देते हैं। बेटी को पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। पहले उसे हम इतना सशक्त बनाएं, उसका मन इतना खुला हुआ होना चाहिए कि हम किसी भी बात को करने में, किसी भी चर्चा के सामने आने में, मैंने ये देखा है कि गाँव में लड़कियाँ लड़ना भी जानती हैं, झगड़ना भी जानती हैं लेकिन अपनी बात को कहना नहीं जानती। सबसे पहले हमें अपनी बात कहना आनी चाहिए,